दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वेजी पंच में। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बनाएंगे नाश्ते के लिए सेवई उपमा, तो आप इस रेसिपी को पूरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम स्टोव को ऑन कर लेते हैं। पानी को बॉईल करेंगे। आप देख सकते हैं पानी बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। ये वर्मीसेली ली है, ये इसमें डालेंगे। हाफ टी स्पून ऑयल डालेंगे। मैंने फ्लेम को मीडियम रखा है। अब मैं स्टोव को ऑफ कर रहा हूँ। 3 मिनट हो चुके हैं। इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद इस पानी को, इस वर्मीसेली को छान लेंगे। राई रखने के बाद हम इसमें ये पीनट्स डालेंगे। इसको थोड़ा भून लेते हैं मूंगफली को। हल्दी पाउडर के बाद हम इसमें एक प्याज डालेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक आलू लिया है और उसी के साथ उसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है और यहाँ पे एक गाजर ली है, एक छोटी गाजर, इसको भी कद्दूकस कर लिया है। अभी हम इसमें थोड़ा नमक मिलाएंगे। इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। अब इसे थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पाँच मिनट हो चुके हैं, तो इसे हम निकाल लेते हैं। अब हम इसमें वर्मीसेली मिलाएंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर मिलाएंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है और आप चाहें तो इसकी जगह लाल मिर्ची का पाउडर भी मिला सकते हैं। और फिर इसको मिक्स करके स्टोव को ऑफ कर लीजिए और उसके बाद इसे सर्व करेंगे। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा लग रहा है ना सेवई उपमा। चटपटा भी है, हेल्दी भी है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो आप भी ये नाश्ता ज़रूर ट्राई कीजिए और घर में रहे, सुरक्षित रहे। अगली रेसिपी आने तक के लिए बाय।